बाबर आजम की कप्तानी भैया माशाल्लाह इतनी बेकार, इतना ज्यादा घटिया कप्तानी, घटिया के अलावा मेरे पास शब्द नहीं। इतना ज्यादा यूरो कप्तानी का आलम के चक्कर में अपने ही लोगों को खिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है। नेदरलैंड के अगेंस्ट भी खिला दिया, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी खेले जा रहा है, खुद ही खेले जा रहे हो, किसी और को अंदर ही नहीं आ रहे थे। अगर तूने भाई मेरे, अगर नसीम शाह बाहर हो गया था नई बॉल से, तूने अगर इफ्तिकार चाचू को करा ली थी तो इबाद वसीम को खिला लेता। अब आप इतनी खुशियां बना रहे थे कि हे अफगानिस्तान हार गया, वाह भगड़ा, कमॉन कमॉन अफगानिस्तान, नमक खराब, गॉन गॉन, तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा क्या हुआ? अब आप पूरी जिंदगी आपकी लग गई, कभी साउथ अफ्रीका की भी देते कर रहे हो, है ना। उस दिन वो बहन लिख रही है कि साउथ अफ्रीका अगर आज जीत गई तो मैं साउथ अफ्रीका से शादी कर लूंगी। यहाँ पे हमारे कोबरा बबूबा बैठे हुए मेकअप करके आप देख नहीं रही है, झूठ। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया की टांगे पकड़ रहे हो, मैक्सवेल के पैरों में गिरे हुए हो, मैक्सवेल भाई बचा ले बचा ले, चल उसने भी बचा लिया, आज आप श्रीलंका भाई बचा ले। अब हर कब तक कौन तुम्हें बचाएगा भाई? और आज अगर श्रीलंका कुदरत का निजाम कुछ हो भी जाता तो क्या गारंटी है तुम इंग्लैंड से जीत जाते? खुद तो कुछ आपकी टीम ने जितने बहाने बनाने थे दुनिया के बना लिए। आज आप क्या बोलोगे कि बीसीसीआई ने मैच फिक्स करा दिया? बोल दो भाई, हमें तो आदत पड़ गई सुनने, बॉल चेंज हो गई, वेल पोर्टेड वेल पेड इंडिया, बॉल चेंज कर या हमने बारिश नहीं पड़ने दी है ना, बारिश में हमने आज हमने कुछ लगा दिया ऊपर, बादल खींच लिए हमने, पता नहीं कौन सी वहां पे सूरज को छुपा दिया, जैसा सूरज सब कुछ आप कर लो, बॉल से भी आपको दिक्कत है, दिल दिल पाकिस्तान नहीं चलाया, आज हमने श्रीलंका प्लेयर खरीद लिए, आज हमने न्यूजीलैंड प्लेयर खरीद लिए, सब कुछ आप बोल लो बहाने, अपनी टीम को मत देखना। बाबर आजम कप्तानी के लायक है? बिल्कुल भी नहीं। मैं एशिया कप से बोल रहा हूं, 266 जहां पड़े थे इंडिया के, 200 भी नहीं बनते थे 66/4 के बाद, उसको कप्तानी आती नहीं भाई। अगर उसको कप्तानी आती होती साउथ अफ्रीका मैच तो तुम जीते हुए थे, 9 विकेट जहां पे आउट हुई है। जब वो आउट हो गया था, कौन था, माकरम था कि बिलर था, जब वो आउट हो गया था उसके बाद तो बनता ही नहीं था। नवाज खान से आ गया और फील्ड क्या लगा रखी है, स्लिप वो आदमी नहीं लगाता, टीम वो आदमी ठीक नहीं खिलाता, एक तुक्के से मैच जीत गया न्यूजीलैंड से, वो भी बारिश की वजह से बस। और उसमें भी हफीज भाई वो भी फकर की वजह से, फकर की वजह से हफीज भाई हमें आके सुनाते हैं कि जी विराट कोहली सेल्फिश इनिंग, बाय द वे आपकी स्ट्राइक रेट 70-75 की थी, पहली बात तो ये देखो आप पे नहीं जाता, चलो आपका विराट कोहली कोई बाहर से नहीं है। आपने बाबर आजम के बारे में कब बोला कि सेल्फिश खेलता है? बाबर आजम तो हर मैच में सेल्फिश खेला है, इंडिया के अगेंस्ट 50 बनाया सेल्फिश, साउथ अफ्रीका के पता नहीं कितने रन बनाए सेल्फिश था। बाबर की सारी पारियां जब, जब वो पारी खेला है सिवाय जो फकर के साथ खेला है, फकर ने जिता दिया ना मैच। मैं तो शुरू से बोल रहा हूं फकर स्ट्राइक रन बॉल था, जिस पारी में वो खेला है जिसमें उसके 50 आए, हर मैच पाकिस्तान हारी है और उसी की बैटिंग इंटेंट की वजह से पाकिस्तान से नंबर वन बाबर, नंबर वन बाबर किस बात का नंबर वन है ये बता दो, नंबर वन शाहिद किस बात का नंबर वन है ये बता दो, नहीं भाई नंबर वन पाकिस्तान किस बात के नंबर वन, तुम बारिश की पेस एशिया कप में तुम आते हो चौथे स्थान, एशिया कप में चौथे नंबर की टीम थे तुम, जब तुम अपनी पब्लिक को बेवकूफ ये बताते पब्लिक को बेवकूफ कि हम नंबर वन है, बाबर नंबर वन है। लो जी क्वालिफिकेशन सिनेरियो आ गया पाकिस्तान का, आपको इंग्लैंड को मात्र 275 रन से हराना है, तालियां आपके लिए। और अगर आप चेस कर रहे हो तो 2.3 ओवर्स में चेस करना है, ओवर में भाई ये आपका क्वालिफिकेशन सिनेरियो भाई, सुन लो दूसरा वाला सुन लो मुजाहिद सुन लो। और अभी भी मेरे को पाकिस्तानी कुछ इतने ढीट है जो लिख रहे हैं, तुम्हारी तो हालत खराब हो रही थी अगर हम आ जाते, आज तुम्हारी ट्वीट से पता चल रहा है तुम कितना डर रहे थे। भाई मैं कांप रहा था आपसे, ये लो कांप रहा हूं बस, ढाई ओवर। आप अगर आ जाते ना, जो मैंने आपको एशिया कप से बोला आपको ये खुदा ने बचाया है, जो तुम्हारे वहां पे बच्चों ने मिन्नतें मांगी थी ना, ये ऊपर वाले तुम्हें बचा लिया कि तुम सेमीफाइनल में नहीं आए। इतनी बुरी तरह छितरौल करती ना इंडिया, तुम्हें क्रिकेट खेलना भूल जाते आप, सच्ची बता रहा हूं मैं आपको, जो आपने तबाशे करे इस टूर्नामेंट में आते ही, आके चाय की प्याली के साथ फोटो ले लो, आप देखो ना कितने ड्रामे करे इन लोगों ने, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ड्रामा, जय श्री राम के नारे लग गए, दिल दिल पाकिस्तान नहीं चला, दिस इज नॉट आईसीसी इवेंट, दिस इज बीसीसीआई इवेंट, मिकी आर्थर को पकड़ के कोई पूछने वाला हो भाई तूने किया क्या ये बता, तेरे को हम तनख्वाह दे रहे हैं, हमारी इकोनॉमी वैसी हालत खराब है, तू इतनी मोटी फैट फीस ले रहा तो करता क्या है वैसे, तेरी अकाउंटेबिलिटी क्या, किससे अकाउंटेबिलिटी, वीडियो कॉल पे तो वो कोचिंग करता है, अफगानिस्तान आज की डेट में तुमसे अच्छा खेल रहे, चल भाई अफगानिस्तान हार गई, कुछ हिम्मत तो दिखाई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उस दिन चमत्कार हो गया मैक्सवेल की एक टांग पे, कुछ तो उसने हिम्मत दिखाई, जज्बा दिखाया, तुमने क्या दिखाया ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान वाले मैच में, ऑस्ट्रेलिया ने क्या दिखाया, 80 बना रहे हैं 380 रन, तुमने क्या दिखाया लालत, और तो उसके अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तो जो मेरे पाकिस्तानी भाई भी बुरा बात दे या बहने भी बुरा बात दे, आपको अपनी टीम से अकाउंटेबिलिटी शीशा दिखाना चाहिए, और टीम से ज्यादा जिस मैनेजमेंट में
कभी रजब सेठी आ रहा है, कभी जका अशरफ आ रहा है, अब जका अशरफ बाहर हो रहा है, जका अशरफ चलते टोटल बैठे बाबर आजम की चैट लीक कर रहा है। बताओ यार, इतनी बेशर्मी, इतनी बेगैरती मैंने तो क्रिकेट बोर्ड में कभी नहीं देखी। अच्छा, कोई हसन रजा जाके बैठ के बोल रहा है बॉल इन्होंने कर दी थी जी, बॉल देखो जी चेंज हो गई जी। अच्छा, एक बढ़िया सी चीज ये है कि अगर इंग्लैंड ने बैटिंग की पहले तो पाकिस्तान वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। 2.3 ओवर्स कुदरत का रिजाब होगा, 25 रन बनेंगे तो ये कर देंगे। न्यूजीलैंड इंग्लैंड अभी बनाएगी 400 रन और ये 2.5 ओवर में चेस करके दिखाएगी पाकिस्तान, बिकॉज कुदरत का निजाम, कुदरत का निजाम, कुदरत का निजाम। अल्लाह पाक का बादशाह है। अगर अगर 300 बाकी तो पागल है बाकी पागल है और आपने ज्यादा वहां पे रिजर्वेशन करा रखी है ऊपर खुदा के साथ। अगर अगर इन्होंने 300 रन बनाए अगर इंग्लैंड ने,